बैंक सर्कल आज हम बात करने वाली है इंडिया की पॉपुलर डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के बारे में। यूपीआई क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करें और कब करें, आइए समझते हैं। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक रियल टाइम इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम है जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। UPI से आप अपने बैंक अकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं 24/7 बिना किसी हाजिल के। UPI एक यूनिक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल करता है जो आपके मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। जब आप किसी को पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं तो ट्रांजैक्शन UPI के थ्रू होती है। इसे आपको अकाउंट नंबर या IFSC कोड शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिक्योर और फास्ट है और आपकी पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स को प्राइवेट रखता है। UPI यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में एक UPI इनेबल्ड ऐप डाउनलोड करना होगा, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या आपके बैंक का डेडिकेटेड UPI ऐप। फिर ऐप में अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। ऐप आपको अपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट करने का ऑप्शन देगा। बस आप तैयार हैं UPI के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए। UPI के इस्तेमाल कब और कैसे करें, ये रही कुछ कॉमन सिनेरियोस। फर्स्ट, बिल पेमेंट। अपने बिजली, पानी, गैस या मोबाइल बिल्स को UPI से इंस्टेंटली पे करें। सेकंड है शॉपिंग। ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग के लिए UPI से पेमेंट करिए और कैशलेस ट्रांजैक्शन का आनंद लीजिए। थर्ड इज सिटिंग एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स या फैमिली के साथ खुशी बातें के लिए UPI से इंस्टेंट मनी ट्रांसफर करें। फोर्थ इज रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज या DTH रिचार्ज के लिए UPI का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अब आपको UPI के बारे में सब पता चल गया है। इसे डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनिए और अपनी ट्रांजैक्शंस को आसान बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपर्णा सिन्हा आपको मिलूंगी बैंक सर्कल के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।